गाइस हमारी इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिस आया पबजी को अनबैन करने के लिए, जो कि बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। सो गाइस प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि गाइस इस वीडियो को देख के आपको बहुत खुशी मिलने वाली। तो गाइस लेट्स बिगिन। गाइस जैसे कि आज 9 सितंबर है और 2 सितंबर को हमारा पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हो गया था गाइस, बट आज 9 सितंबर है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो पबजी को अनबैन करेगी इंडिया के अंदर, जो कि बहुत खुशी की बात है गाइस हम लोगों के लिए। गाइस कल पबजी कॉर्पोरेशन ने कहा था कि वो पूरी कोशिश कर रही है, वो टेंसेंट से इंडिया के लिए अपने कनेक्शन तोड़ रही, खुद ऑथोराइज करेगी इंडिया के लिए ताकि पबजी अनबैन हो जाए इंडिया में। और गाइस आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है पबजी को अनबैन करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और गाइस जी टेंशन से अपने कनेक्शन तोड़ने की बात कर रहा है और वो मतलब चाइना से हट के और इंडिया में अपना सबसे बड़ा गेमिंग पार्लर, अपना मतलब जो हेडक्वार्टर होता है, सबसे बड़ा हेडक्वार्टर अपना इंडिया में खोलना चाहता है, और जिससे हमारी गेमिंग कम्युनिटी को बहुत मतलब बढ़ोतरी मिलेगी, हमारी गेमिंग कम्युनिटी बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइज। इससे हम लोग गेमिंग कम्युनिटी बहुत फर्क पड़ेगा, मतलब जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग हैं जो सोचते हैं कि काश हम गेमर बन सके, उन लोगों को भी चांस मिलेगा कि वो गेमर बने, उनकी गेमिंग गेमिंग कम्युनिटी से जुड़े, स्पोर्ट खेले, टूर्नामेंट खेले, जो कि बहुत आगे बढ़े, इसमें अपना पूरा करियर बना लें। तो गाइज ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ट्वीट करके उनसे पबजी मोबाइल से पूछा है कि हमारे इन 70 क्वेश्चंस का आंसर दो, जिसमें है कि वो पबजी से पूछ रही हो कैसे मतलब हमारे इंडियंस जो भी गेम खेलेंगे उनकी जो डाटा को कैसे सिक्योर करेंगे, कैसे वो चाइना के पास नहीं जाएगा। तो गाइज उन्होंने 70 क्वेश्चन के जवाब दे दिए और पबजी इंडिया में ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से अनबैन कर दी जाएगी, जो कि सबसे ज्यादा खुशी की बात है हम लोगों के लिए गाइज। तो गाइज ये 70 क्वेश्चन है, बहुत ईजिली पबजी का जवाब दे देगी, आपको भी पता है, क्योंकि डाटा सिक्योर रखेगी, क्योंकि वो चाह रही है कि पबजी इंडिया में अनबैन हो, तो वो कोई गलती नहीं करने वाली इस मामले में। तो गाइस हम लोग को बेफिकर रहना, बस सब्र करना है कि गेम कभी भी आ जाएगी, वैसे भी हमें पता है कि गेम अभी भी चले जा रही है, कोई दिक्कत आ नहीं रही, क्योंकि पबजी ने सर्वर डाउन नहीं करे अभी तक। बट जो गाइस जो अलग वेबसाइट से जिन्होंने गेम डाउनलोड करी है, अपडेट करा है, जो नया एरा न्यू एरा वाला अपडेट आया था उसको अपडेट करा, बट उसमें रिस्क आ रहा है क्योंकि उनके अकाउंट बैन हो रहे हैं। तो गाइज मैं तो चाह रहा हूँ कि आप वेट करो, क्योंकि मैं भी वेट कर रहा हूँ, मैंने भी गेम डिलीट कर दिया था कि मैं सोचा जो गेम बैन होने वाली उसको मैं क्यों खेलूं। तो गाइज मैंने उस गेम को डिलीट कर दिया था और अब मैं देख रहा हूँ कि गेम तो चली जा रहा है, मेरे दोस्त खेल रहे हैं क्योंकि उन्होंने सर्वर डाउन नहीं करे हैं। और गाइज बहुत ज़्यादा खुशी की बात है हम लोगों के लिए। तो गाइज मैं भी आपसे कहूंगा कि जिनके पास अभी तक गेम नहीं हो, कोई अपडेट मतलब कहीं से थर्ड पार्टी से आप डाउनलोड मत करो, अपना अकाउंट को रिस्क में नहीं डालना है। मैंने इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और गाइज मैं आजकल कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था, उससे रिलेटेड मैंने एक गेम प्ले भी डाला था, तो गाइज आप उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार चेकआउट जरूर करना। और गाइज मैं तो जितना खुश हूँ, मेरे लिए तो आज की तारीख मतलब मैं सुनहरे अक्षरों में लिखूंगा, क्योंकि ये दिन बहुत अच्छा है गाइज। तो 2 सितंबर को गेम बैन हुई थी और आज इतना अच्छा न्यूज़ मिली हमें कि पबजी अनबैन होने वाली है गाइज, वन ऑफ द बेस्ट न्यूज आई हैव गेट। और गाइज ये पूरा मैंने आपको साथ सोचा कि शेयर करना जरूरी है, ताकि मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जो हम पबजी खेलते हैं, जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी वाले, सबको पता चलना चाहिए कि इंडिया में पबजी अनबैन होने वाली है। और गाइज कुछ मतलब एक हफ्ते में पबजी ने कमाल दिखा दिया, मैंने आपको पहले भी कहा था कि टिकटॉक वाली बात नहीं है, पबजी ऑफिशियली कोरियन गेम है, तो ये अनबैन होगी कभी ना कभी, मेरे को पता था, एक महीने में होगी, दो महीने में होगी, एक हफ्ते में भी हो सकती है। गाइज एक हफ्ते में काम हो गया गाइज, मैं बोल बोल के थक गया, बट गाइज मुझे बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और गाइज सबसे खुशी की बात तो ये है कि गेम को अनबैन होते ही इंडिया में इंडियंस को बहुत अच्छी प्रायोरिटी मिलने वाली है, तो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर अपना इंडिया में खोलने वाली, जो कि सबसे अच्छी बात है, हम इंडियंस को खूब प्रायोरिटी मिलने वाली इसके बाद, क्योंकि जो सबसे ज्यादा ऑडियंस है, जो सबसे ज्यादा गेम खेलते हैं, वो सब इंडियंस ही है, मतलब इंडिया से बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिलता है। तो गाइज वो अपने इंडियंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं, जाकि गाइज जो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, जो गेमर्स है, जो गेम खेलते हैं, जो चाहते हैं इसमें अपना करियर बनाना, उनके लिए बहुत अच्छी बात है गाइज। और जैसे गाइज चाइना, जापान, इन सब में गेमिंग पार्लर्स होते हैं, जहाँ पर हम जाके गेम खेलते हैं, वहाँ पर गेमिंग पार्लर्स खूब चलते हैं, वैसे ही इंडिया में खुलने वाले हैं, मतलब एडवांस गेम के गेमिंग पार्लर, जो बिल्कुल आपको 4D 3D मतलब वर्चुअल रियलिटी गेम्स जिस टाइप के होते हैं, उस टाइप के गेमिंग पार्लर्स खुलने वाले हैं पबजी की तरफ से गाइज, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गाइज आज का मैं क्या ही बोलूँ गाइज, अपनी खुशी में आपको बता नहीं सकता कि गेम अनबैन होने वाले, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि मेरा गेमिंग बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे, मैं क्या करूँगा, जैसे कि जिन
जिनका मतलब चैनल ग्रो हो चुका है पबजी की वजह से, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हो, कुछ भी खेल रहे, GTA खेल रहे हैं, नए नए टाइप की गेम्स खेल रहे हैं जिनके नाम मैंने आज तक सुने नहीं थे, और उनके व्यूज आ रहे हैं 20K, वॉचिंग आ रही है 30K, 50K, मतलब गाइज उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी पेल दे मतलब अपने चैनल पे, उनके आने ही है व्यूज। बट गाइज मेरा चैनल बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे था, मैं सोच रहा था पबजी से मैं चैनल को ग्रो करूंगा, कैरियर बनाऊंगा, गेमिंग कम्युनिटी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट खेलूंगा, बट गाइज यहाँ गेम बैन हो गई थी और मैं भी सोच रहा था मैं क्या करूँ, मेरा तो पूरा मतलब कैरियर खत्म, मैं जो सोच रहा था वो होगा नहीं गाइज। बट अब गेम अनबैन होने वाली है और गाइज हम लोग फिर से अपनी गेमिंग कम्युनिटी को चला देंगे, टूर्नामेंट्स खोएंगे और गाइज इस बार तो खूब प्रायोरिटी मिलने वाली हमें। तो गाइज मैं बस वेट कर रहा हूँ जल्द से जल्द गेम आ जाए अपने प्ले स्टोर पर, आ जाएगी ऐप स्टोर पर, आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा गाइज सबके प्रोसेस में, क्योंकि गवर्नमेंट का तो आपको पता ही टाइम तो लगता ही है, बट गाइज गेम आ जाएगी कुछ दिनों में ही, आपको थोड़ा सा वेट करना है, सब्र करना है, गेम हमारे प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर आ जाएगी, फिर हम लोग ऑफिशियली उसको डाउनलोड करके खेलेंगे, कोई इलीगल तरीके से नहीं खेलेंगे। तो गाइस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों के लिए, जो मैंने आपका शेयर करना जरूरी समझा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक देना, चैनल जो बंदे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।